हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जिस गाड़ी की, वो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और लॉन्च होते के साथ ही उसने एकदम तहलका सा मचा दिया है। जी हम बात कर रहे हैं हुंडई वर्ना 2023 के बारे में। ये आज हमारे पास जो है इसका SX वेरिएंट है, जो कि सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाला वेरिएंट है। जैसा कि आप देख रहे हो, गाड़ी में कंपनी आपको दो तरह के इंजन प्रोवाइड करती है, एक 1500cc नॉर्मल इंजन और एक 1500cc टर्बोचार्ज इंजन। ये जो है नॉर्मल इंजन की गाड़ी है। अब गाड़ी की हम लेंथ, इंटीरियर और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि गाड़ी कितनी अच्छी शानदार लग रही है, बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया है। गाड़ी का इंटीरियर आपको ड्यूल टोन, एक बीच कलर और ब्लैक कलर में मिल जाएगा। अगर इसका टॉप एंड वेरिएंट लोगे आप टर्बोचार्ज में, तो आपको पूरा इंटीरियर ब्लैक ही मिलेगा। गाड़ी का जो इंटीरियर, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो थोड़ा सा कर्वी करा है ड्राइवर साइड की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है। आपको अंदर बैठ के ऐसा फील लगेगा कि आप किसी लग्जूरियस कार में बैठे हो। बाकी ऑटो पुश स्टार्ट बटन, एडास का फंक्शन इसमें दिया हुआ है, 360 व्यू कैमरा इसमें दिया हुआ है, मतलब फीचर कंपनी ने अच्छे दिए हैं। 16 इंच के आपको एलॉय प्रोवाइड कर रही है, जो कि इस गाड़ी को और ज़्यादा मस्कुलर बनाते हैं, रोड प्रेजेंस इसकी बहुत बढ़िया बनाते हैं। पीछे से अगर बात करी जाए, तो पीछे से अगर इसका स्पोर्टी लुक जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। और ये पीछे टेल लैंप है, वो पूरी तरह से कनेक्टेड है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। गाड़ी में आपको 528 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट की सभी गाड़ी में सबसे ज़्यादा है। अगर गाड़ी की बात करी जाए, तो 4535 mm की इसकी लेंथ आपको मिल जाती है, 1765 mm की इसकी विड्थ मिल जाती है और 2670 mm का इसका व्हील बेस मिल जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, गाड़ी आपको दो इंजन प्रोवाइड करती है, एक 1500cc नॉर्मल इंजन और एक 1500cc टर्बोचार्ज इंजन। हुंडई ने अभी तक हाइब्रिड में क्यों नहीं गई है, ये मेरे को समझ नहीं आया। अभी तक उसने हाइब्रिड इंजन को क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये अभी तक मेरी समझ से बाहर है। खैर, ये उसकी कोई पॉलिसी होगी, वो जाने। हम आगे बढ़ते हैं गाड़ी के बारे में। गाड़ी में आपको तमाम ऐसे फीचर मिलेंगे जो आपको दिल को खुश कर देंगे। वेंटिलेटेड सीट, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी, एडास, और गाड़ी का जो स्पोर्टी लुक है वो आपको अंदर से भी बहुत ज़्यादा फील कराने वाला है। मतलब कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, मैं किसी ऐसी स्पोर्ट कार में बैठा हूँ कि जो आपको प्रीमियमनेस का एहसास दिलाएगी। गाड़ी में कंपनी ने इस बार फीचर भर भर के दिए हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है। गाड़ी के केबिन में आपको स्पेस भी खूब अच्छा खासा मिलने वाला है, ऐसे नहीं है जैसे पहले की जनरेशन में स्पेस नहीं था। पीछे अगर कोई बंदा बैठता था, 5 फुट 8 इंच या 6 फुट का उसके पैर आगे वाली सीट में लगते थे, लेकिन इस बार गाड़ी में स्पेस का खूब अच्छा खासा ध्यान दिया गया है, इसीलिए पीछे वाले जनरेशन से ये थोड़ी सी लंबी भी है। अब अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो एक ये लंबी सी आपको जो हेडलैम्प्स दिख रही है, कनेक्टिंग DRLs, जो कि बहुत ही इस गाड़ी को सुंदर बनाते हैं। इसके जो DRLs हैं, ये बीच वाली जो है लाइट, ये आप गाड़ी जब ऑन करोगे तभी जलेगी। वैसे अगर पार्किंग में जलाओगे तो केवल दो लाइट ही जलेंगी जो इसके DRLs हैं। वहीं नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं, और उसी के साथ आपको ब्लैक कलर की जाली, जो कि इस गाड़ी के लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। तो भाई, ये थी हुंडई वर्ना 2023 का क्विक रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।